हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो देखिए, आज हम बनाएंगे बूंदे की सब्जी। इसको गांव में लोग लसोरा भी बोलते हैं। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 से 3 खट्टे वाले कच्चे आम लिए हैं। इसको ऐसे निकाल लिए हम और इसको दरदरा अभी कूट लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है दही। दही को हम पतला कर लिए हैं और ये जो बूंदा है, इस बूंदे को हम किसी चीज़ से, खलबट्टा की मुठिया हो उससे इसको कूट कूट के हम इसी छाछ में डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे डाल के। तो इस तरीके से हम इसको कूट लेंगे और इसको हम छाछ में डाल देंगे। तो यहाँ पर इसका सारा बीज निकाल लेंगे हम और इसी में डालते जाएंगे। और 5 से 10 मिनट इसको हम इसी में पड़े रहने देंगे। उसके बाद फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3-4 पानी से अच्छे से इसको धुल लेंगे, उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे। पहले यहाँ पर हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है और यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन। लहसुन हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तभी सब्जी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर लहसुन, मिर्च और जीरा अच्छे से दरदरा हमारा पीस गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 1 कप के करीब दही, खट्टी दही है ये। दही में 1 चम्मच डालेंगे लाल। उसके बाद दही में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। और इसको अच्छे से मिला लेंगे सारा और मिला के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक हम सारा फ्राई करेंगे, भूनेंगे, तब तक ये अच्छे से घुल जाएगा। और ये 1 कप मेथी है जिसको हम 1/2 घंटा पहले भिगा दिए थे, ये भी इसी में जाएगा। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें जाएगा अब तेल। तेल हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि गूंदा अच्छे से पक जाए। तेल यहाँ जब गर्म हो जाएगा तो डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। उसके बाद जो गूंदा धुल के रखे हुए थे वो हम इसी में डाल देंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर गूंदा अच्छे से डाल दिए हैं, इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो आम काट कर रखे हुए थे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसको भी भून लेंगे। आम पक गया, अब यहाँ पर हम मेथी डाल देंगे। मेथी को हमने हल्का सा उबाल के लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ये भी हम इसमें डाल के भून लेंगे। एक बार आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही हेल्दी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। गूंदे भी और इसमें जो पड़ा हुआ है मेथी, ये भी घुटने उठने जो दर्द होते हैं उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए मेथी हमारी पक रही है। यहाँ पर अब हम डाल देंगे जो लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाए थे वो हम इसी में डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी साथ में हम डाल। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे मसाला जो दही में घोल के रखे हुए थे, अब ये इसी में मिक्स कर देंगे और अब ये इसी में भुंजाते रहेगा 4 से 5 मिनट। ये ऐसे ही ढककर हम इसको भूनने देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा आप खाते हो। और थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्का सा डालेंगे शक्कर। उसके बाद इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि इसमें तेल ना छूट जाए। यहाँ पर देखिए गूंदा हमारा अच्छे से तेल छोड़ दिया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। इसका मतलब है कि सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक बार आप भी इस तरीके से बना कर ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।